सो हे गाइज व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल राशन फोटोग्राफी। गाइज आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नवरात्रि बोले दुर्गा पूजा के ऊपर फोटो को एडिट यहां पर करना सिखाने वाला हूं, जो कि आप लोग हमारा फोटो यहां पर देख ही सकते हो कितना देखने में अमेजिंग एंड बवाल सा लग रहा है। तो अगर आप सब भी चाहते हो सेम टू सेम इस तरह का फोटो को एडिट करना सीखना तो इस वाला वीडियो को आप लोग लास्ट से वॉच कर लीजिएगा, और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आता है आप लोग को तो इस वाला वीडियो को आप लोग एक लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिए। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके डन। सो गाइस सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप लोग को इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर जस्ट यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लेना पड़ेगा। और अगर आप लोग मतलब रिसाइज वगैरह करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टूल्स के आइकॉन पर टैप करके रिसाइज टूल के ऑप्शन पर टैप करके आप लोग मतलब बैकग्राउंड को रिसाइज वगैरह कर सकते हो ताकि आपका फोटो मतलब HD के अंदर बने। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऑलरेडी रिसाइज किया हूँ तो यहाँ पर डन करता हूँ इस तरह से। और अब यहाँ पर आप लोग कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ऐड फोटो का एक टूल देखने को मिलेगा तो इस वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग को अपने फोटो को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाला फोटो को ऐड कर लिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो वेल अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको कुछ इस तरह जूम वगैरह करके इस वाला बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपने फोटो को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करना है, लाइक कुछ इस तरह। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हल्का सा वीडियो को फास्ट करके मैं इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करता हूँ इस तरह से। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया है। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको डन करना है इस तरह से। और अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से ऐड फोटो के आइकॉन पर टैप करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करना है, एक कलर इफेक्ट की PNG दूंगा तो उस वाले PNG को यहाँ पर ऐड करना है। तो मेरे भाई इस वाले कलर इफेक्ट की PNG को आप लोग को ऐड करना पड़ेगा, और इसको कुछ इस तरह जूम वगैरह करके इसको आप लोग नीचे के एरिया में जूम करके इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, और हल्का सा इसके ओपेसिटी को आप लोग डाउन कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा। अब दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पे एक बार टैप करना पड़ेगा इस तरह से, और यहाँ पर आप लोग को एक PNG दूंगा सनफ्लावर का, उस वाले PNG को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग को इस वाले सनफ्लावर PNG को ऐड करना पड़ेगा, और इसको भी कुछ इस तरह से जूम वगैरह करके इसको आप लोग नीचे की एरिया में इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, लाइक कुछ इस तरह। ये वाला आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जूम वगैरह करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको एडजस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, और सिंपली यहां पर इसको राइट क्लिक करता हूं। अब मैं दोबारा से ऐड फोटो के आइकॉन पर एक बार टैप करता हूं, और यहां पर क्या करता हूं, एक PNG को यहां पर ऐड करता हूं। सो गाइज मैंने यहाँ पर क्या किया, दो PNG को ऐड किया है, आप लोग देख ही सकते हो, एक मतलब तिलक की PNG है और एक मतलब हेड पट्टी PNG है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले PNG को हम लोग जूम आउट वगैरह करके अपने मतलब हेड में हम लोग एडजस्ट करेंगे इस तरह से, आप लोग करके यहाँ पर दिखलाता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, एक बार डन करना है इस तरह से, और इस वाले तिलक के PNG को आप लोग को जूम आउट करना है इस तरह से, और इसको आप लोग को अपने फेस के ऊपर यहाँ पर एडजस्ट करना है, आप लोग करके यहाँ पर दिखलाता हूँ इस टाइप से करना है यहाँ पर। और अब यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से मतलब ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक PNG को हम लोग फिर से ऐड करते हैं। सो मेरे भाई इस बार आप लोग क्या करना है, इस वाले दोनों PNG को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और इस वाले PNG को आप लोग पहले साइड में कर लीजिएगा इस वाले PNG को, और इस वाले PNG को आप लोग जूम वगैरह करके यहाँ पर इसको रोटेट कर लीजिएगा इस तरह से, और इसको आप लोग यहाँ की साइड इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पर भी आपका मन करे आप लोग यहाँ पर इसको लगा सकते हो। बट मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। और अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को इस वाले पंडाल वाले PNG को यहाँ पर लाना है, और इसको भी कुछ इस टाइप से जूम वगैरह करके इसको आप लोग को ऊपर की साइड में इस तरह से एडजस्ट करना है, लाइक कुछ इस तरह, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं करके दिखलाता हूँ। और अब यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है। अब दोबारा से ऐड फोटो के आइकॉन पर टैप करना है, और यहाँ पर क्या करना है, नवरात्रि टेक्स्ट PNG को यहाँ पर ऐड करना है। तो इस वाले नवरात्रि टेक्स्ट PNG को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और इसको कुछ इस टाइप से जूम आउट करके इसको आप लोग यहाँ की साइड इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, और हल्का सा मतलब शैडो को भी दे दीजिएगा ताकि ये मतलब और अच्छा लगे दिखने में, और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है।
अब अगेन ऐड फोल्डर के ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या करते हैं, एक मतलब पीगन के पीएनजी को ऐड करते हैं। तो आप लोग को इस वाले पीगन पीएनजी को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और इसको आप लोग हल्का सा मतलब क्रॉप वगैरह कर सकते हो। आप लोग को जो लगाना है पीगन उसको क्रॉप करके यहाँ पर इसको जूम वगैरह करके इसको मतलब इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो ताकि देखने में मतलब और अट्रैक्टिव लगे यहाँ पर। और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है तो फोटो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। आप लोग देख ही सकते हो बच गया मतलब अपने फोटो को वन क्लिक के अंदर कलर ग्रेडिंग करना। तो वन क्लिक के अंदर कलर ग्रेडिंग करने के लिए सिंपली यहाँ पर आप लोग क्या करना है, एक ड्रॉ नाम से टूल देखने को मिलेगा तो इस वाले ड्रॉ के आइकॉन पर टैप करके, थ्री डॉट के ऑप्शन पर टैप करके, सेव इमेज के ऑप्शन पर टैप करके फोटो को सेव करना है। और व्हाट्सएप के जस्ट बगल में एक थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इस वाला आइकॉन के ऊपर टैप करके आप लोग को अपने फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। मेरे भाई लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को जस्ट ओपन करने के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक मतलब प्रीसेट को भी ऐड कर लेना होगा। और यहाँ पर क्या करना है, सिंपली थ्री डॉट के आइकॉन पर टैप करके, कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पर टैप करके सभी में यहाँ पर इसको मार्क करना है इस तरह से। और इसको राइट क्लिक करके अपने फोटो के ऊपर एक बार क्लिक करना पड़ेगा और अगेन आप लोग को थ्री डॉट वाला आइकॉन पर टैप करके डायरेक्ट यहाँ पर इसको पे सेटिंग कर देना होगा। तो पे सेटिंग कर दीजिए, आपका मतलब फोटो एक क्लिक के अंदर यहाँ पर कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो। बाकी अगर आप लोग का फेस एसन प्लस हेयर को एडिटिंग करना है तो आप लोग स्केचबुक ऐप का यूज यहाँ पर कर सकते हो। और फोटो को यहाँ पर सेव करने के लिए सिंपली शेयर के ऑप्शन पर टैप करके, डाउनलोड वाला ऑप्शन पर टैप करके फोटो को आप लोग सेव कर सकते हो इस तरह से।